हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2020-23 परीक्षा फॉर्म कौन कौन से सेशन के छात्र छात्राएं भर सकते हैं। अगर पार्ट वन में प्रमोटेड हैं तो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। पार्ट टू में प्रमोटेड हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसके पिछले वीडियो में ही बताया था कि कौन कौन से सेशन के छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो फुल वीडियो देखना नहीं है, कमेंट करना है कि ये बताइए, जबकि उस वीडियो में ऑलरेडी हर चीज बताया होता है लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, जबकि ऑलरेडी उसमें सब चीज बताया गया है तो आपको देख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी की सारी जानकारी को क्लियर कर देते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है 26/12/23 से लेकर के 31/12/23 तक भरा जाएगा। उसके पहले आपका नामांकन होगा। सबसे पहले आप लोग जाकर के नामांकन करा लें। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। देखिए फ्रेंड, यहाँ सवाल है कि पार्ट वन में प्रमोटेड है तो पार्ट थ्री में नामांकन होगा कि नहीं होगा। तो आप सभी को यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आपका पार्ट वन में प्रमोटेड है तो पार्ट थ्री में नामांकन एक कॉलेज पर डिपेंड होता है कि आपका नामांकन लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर आपका स्नातक पार्ट टू में प्रमोटेड है तो आप स्नातक पार्ट थर्ड में नामांकन ले सकते हैं और परीक्षा फॉर्म को भी भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन पार्ट वन में प्रमोटेड होगा तो पार्ट थर्ड का एग्जाम आप लोग नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है परीक्षा पर पत्र के साथ प्रथम द्वितीय खंड के अंक पत्र, प्रवेश पत्र, विश्वविद्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र आदि कागजात की 6 प्रति प्रचार द्वारा अभिप्रमाणित संकलन करना अति आवश्यक है। यहाँ क्लियर किया गया है कोई भी छात्र प्रथम खंड में प्रमोटेड होने पर एक ही सत्र में किसी भी परिस्थिति में तृतीय खंड के परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। परीक्षा पर पत्र में किसी भी समय किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा पर पत्र रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है कि जब तक आप लोग पार्ट वन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोग पार्ट थर्ड का एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पार्ट टू में प्रमोटेड होंगे तो पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। एक तो क्लियर हो गया। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दें कि कौन कौन से सेशन के छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आप सभी को बता दूं कि जो भी छात्र एवं छात्राएं 20-23 रेगुलर के स्टूडेंट हैं वो तो पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन उसके साथ जो भी छात्र एवं छात्राएं सेशन 18-21 पार्ट थर्ड के एग्जाम में फेल हो गए थे वो भी इस परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, तथा जो भी छात्र एवं छात्राएं 19-22 पार्ट थर्ड के एग्जाम में फेल हो गए थे वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि वो लोग स्पेशल कहलाएंगे। 18-21 एवं 19-22 के छात्र एवं छात्राएं स्पेशल कहलाएंगे, जबकि 20-23 वाले रेगुलर कहलाएंगे। यहाँ पर एक और बात आप सभी को क्लियर कर दूं, बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि 18-21 पार्ट थर्ड में फेल हो गए थे तो क्या मुझे फिर से नामांकन कराना पड़ेगा, या 19-22 पार्ट थर्ड के एग्जाम में फेल हो गए थे तो क्या मुझे फिर से नामांकन कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर साफ साफ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका 18-21 सेशन है या 19-22 सेशन है तो
आपको अब नामांकन नहीं कराना है, आप सभी परीक्षा फॉर्म भर के एग्जाम को देंगे तथा जो भी 20-23 रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं वो पहले अपना नामांकन कराएंगे, उसके बाद ये परीक्षा फॉर्म को भरेंगे। चलिए मैं कोशिश किया हूँ कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूँ, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा अगर जवाब देने लायक होगा तो। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।